गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले तो आपको नव वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि 2021 आपके लिए अच्छा रहे, 2020 की तरह इसमें कोई ज़्यादा समस्याएं ना आए और जो समस्याएं 2020 में क्रिएट हुई हैं उनका जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन हो जाए, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। और इसी प्रेयर के साथ अब अपन आगे अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट ईयर अपन ने पढ़ा था, ठीक है ना, 2020 में अपन ने स्टडी किया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, उसी को आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान होगा लास्ट क्लास में अपने जहाँ तक पढ़ा था उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि आप जानते हो ना एक साल की बात हो गई तो भूल गए होगे, एक साल में तो भूल जाते हैं, उसी चीज को आगे बढ़ा रहे हैं अभी। तो लास्ट जो अपना टॉपिक था उसमें अपने सबसे पहले पढ़ा था कि किसी भी ट्रांजेक्शन को यदि एग्रीमेंट की डेफिनेशन में कवर होना है तो सबसे पहले ऑफर होना चाहिए। आप ऑफर बोल दो या प्रपोजल बोल दो एक ही बात होती है, ऑफर और प्रपोजल में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। ऑफर और प्रपोजल के बाद में उसका एक्सेप्टेंस कंपलसरी है, क्योंकि यदि एक पर्सन ऑफर देगा तो दूसरा पर्सन जब उसको एक्सेप्ट करेगा तभी जाकर के आपकी ट्रांजेक्शन क्या बनेगी। यदि ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों चीजें मिक्स हो जाएंगी ना तब जाकर के आपकी ट्रांजेक्शन क्या बन पाती है, एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट की डेफिनेशन में आने के लिए सबसे पहले तो ऑफर होना चाहिए और ऑफर के साथ साथ एक्सेप्टेंस। और इन दिनों जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो वो एक्सेप्टेंस का ही पढ़ रहे हो। लास्ट क्लास में आपने एक्सेप्टेंस के मीनिंग को पढ़ा, किस तरह एक्सेप्टेंस होती क्या है। तो आपने बताया था कि यदि किसी पर्सन को प्रपोजल दिया गया, किसी पर्सन को प्रपोजल दिया गया हो और जिस पर्सन को प्रपोजल दिया गया है यदि वो पर्सन उस पर्टिकुलर प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले, उस प्रपोजल पर अपनी कंसेंट दे दे, तो ये मान लिया जाएगा कि वो प्रपोजल एक्सेप्टेड हो गया और एक्सेप्टेड प्रपोजल प्रोमिस बन जाता है। ये एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन अपन ने लास्ट क्लास में स्टडी की थी। नेक्स्ट जो अपना पॉइंट था उसमें था कि एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एक्सेप्टेंस, कि एक्सेप्टेंस के क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स। तो आपको ध्यान होगा अपन ने यहां से पढ़ना स्टार्ट किया था, एक बार हेडिंग आपको रिवाइज करवा रहा हूं। तो सबसे पहला था कि एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली टू द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड, यानी यदि आपने किसी को ऑफर दिया है कोई पर्सन एक्सेप्टेंस दे सकता है, जिस पर्सन को आपने ऑफर दिया ही नहीं वो पर्सन एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता। सेकंड पॉइंट था कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल, कि जो एक्सेप्टेंस है वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए यानी वो फाइनल होनी चाहिए और अनकंडीशनल होनी चाहिए, अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। नेक्स्ट था अपना कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, कि एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस प्रेस्क्राइब मोड में दी गई हो, यानी जैसा ऑफरर ने अपने ऑफर में बोला था उसी मोड में आपने एक्सेप्टेंस दी हो। और उससे नेक्स्ट जो पॉइंट था, एक्सेप्टेंस आपने रीजनेबल टाइम पीरियड में दी हो। तो ये छोटे छोटे जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं किसी एक्सेप्टेंस के, तो ये अपन लास्ट क्लास में स्टडी कर चुके हैं। यहाँ तक के जो टॉपिक हैं वो लास्ट क्लास में अपन लोग स्टडी कर चुके हैं। आज जो नेक्स्ट पॉइंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखना, वो है आपका जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा कि मेयर साइलेंस, ध्यान देना मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, कि मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेड, सिर्फ चुप रह जाना एक्सेप्टेंस नहीं है। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन को ऑफर दिया, लेकिन जिसको ऑफर दिया है यानी जो ऑफरी है वो कोई जवाब नहीं दे रहा, कुछ नहीं बोल रहा, ना तो एक्सेप्ट कर रहा ना रिजेक्ट कर रहा, यानी ना तो हां बोल रहा है और ना बोल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या उस साइलेंस को, यानी ऑफरी साइलेंट, ऑफरी कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं बोल रहा, क्या साइलेंट होना एक्सेप्टेंस माना जाएगा? क्या ओनली साइलेंस को हमेशा एक्सेप्टेंस ही मानेंगे? क्या जिसको आपने ऑफर दिया उसने ऑफर सुन तो लिया लेकिन जवाब कुछ भी नहीं दे रहा, ना यस बोल रहा है ना नो बोल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या साइलेंस को एक्सेप्टेंस मानेंगे? इसके लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने क्लियरली मना किया है
कि नॉर्मली द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड नीड नॉट रिप्लाई। जरूरी नहीं है कि जिस पर्सन को आपने ऑफर दिया हो रिप्लाई करे ही, उसको ऑफर नहीं है पसंद, वो नहीं एक्सेप्ट करना चाहता, तो जरूरी थोड़ी ना कि वो रिप्लाई करके रिजेक्ट करे, कोई जरूरी नहीं है। दिस साइलेंस और ऐसी साइलेंस कैन नॉट बी रिगार्डेड एज एन एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल। और ऐसे ही यदि कोई पर्सन साइलेंट रहता है यानी चुप रहता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो एक्सेप्टेंस हो गया, यानी सिर्फ साइलेंट रहना एक्सेप्टेंस नहीं होता। बेटा ध्यान से सुनो, मेयर साइलेंस, मेयर का मतलब होता है ओनली, ओनली साइलेंस इज नॉट द एक्सेप्टेंस, सिर्फ साइलेंट रहना एक्सेप्टेंस नहीं है। यदि ऑफरी जिसको आपने ऑफर दिया था वो पर्सन कुछ भी नहीं बोल रहा, कोई रिप्लाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, यानी साइलेंस, मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, ये जनरल रूल है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन, हाँ कुछ ऐसी सिचुएशन भी है, ध्यान से सुनना, जिसमें साइलेंट रहना एक्सेप्टेंस माना जाए, यानी कुछ ऐसी सिचुएशन है, उन सिचुएशन में भी ऑफरी साइलेंट रहता है यानी कोई भी जवाब नहीं देता, तो साइलेंस को एक्सेप्टेंस माना जाएगा। कब माना जाएगा, तो नीचे आप देखिए, नेक्स्ट जब अपन टॉपिक पे चलेंगे, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, तो वहां अपने को एक टॉपिक मिलेगा एक्सेप्शन, और उसमें लिखा है कि वेयर द ऑफरी हैविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू रिजेक्ट द गुड्स और सर्विसेज। यदि ऐसा कोई ऑफरी है जिसके पास एक प्रॉपर टाइम है कि वो चाहे तो उन गुड्स या सर्विसेज को रिजेक्ट कर दे, लेकिन रिजेक्ट करने की बजाय ड्राइव्स एनी बेनिफिट फ्रॉम देम, यानी ऑफरी उन गुड्स या सर्विसेज को रिजेक्ट करने की बजाय उनसे बेनिफिट ले रहा है, तो इट विल अमाउंट टू एन एक्सेप्टेंस, तो ये एक्सेप्टेंस ही मानी जाएगी। अब आप बोलोगे सर एग्जांपल दीजिए, तो चलिए मैंने आपके लिए दो एग्जांपल यहां पर लिखे हैं, दोनों एग्जांपल को बेटा ध्यान से पढ़ना और इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं। तो पहला एग्जांपल है, एक लैंडलॉर्ड है, लैंडलॉर्ड जानते हो आप मकान मालिक, उसने अपना मकान, उसने अपना प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी, तो रेंट पे देते ही दो पार्टी हो गई, एक तो लैंडलॉर्ड और दूसरा टीनेंट, ठीक है। तो लैंडलॉर्ड ने क्या किया, टीनेंट को नोटिस दिया कि भाई अगले महीने से मैं 2000 रुपये किराया बढ़ा रहा हूँ, यानी नेक्स्ट मंथ से आपका रेंट इंक्रीज हो जाएगा, यानी ये जो है लैंडलॉर्ड ने टीनेंट को नोटिस दिया कि नेक्स्ट मंथ से आपका रेंट इतने रुपये इंक्रीज हो जाएगा। अब टीनेंट कुछ नहीं बोल रहा और रेगुलरली उस प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है, ध्यान से देखना आप, लैंडलॉर्ड ने नोटिस दिया कि आपका रेंट इंक्रीज हो रहा है, यदि टीनेंट को नहीं है पसंद तो ऑब्जेक्शन करे, अरे जवाब दे, लेकिन टीनेंट कुछ नहीं बोल रहा और उस प्रॉपर्टी को रेगुलरली यूज कर रहा है, इट मीन्स टीनेंट ने इस चीज को साइलेंटली एक्सेप्ट कर लिया कि मैं इंक्रीज रेंट पे करने को तैयार हूं। यहां पर जो टीनेंट की साइलेंस है, यहां पर जो टीनेंट के पॉइंट के एंड पर जो साइलेंट है, उसने कोई जवाब नहीं दिया लैंडलॉर्ड के नोटिस का, तो ये जो साइलेंट, ये जो साइलेंस है ऑन द एंड ऑफ टीनेंट, ये एक्सेप्टेंस है, इस चीज की एक्सेप्टेंस है कि टीनेंट इंक्रीज हुआ रेंट पे करने को तैयार है। नॉर्मली साइलेंस एक्सेप्टेंस नहीं होती, लेकिन ऐसी कोई साइलेंस जहां पर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, किसी ने आपको कोई नोटिस या कोई ऑफर दिया है और आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप रिजेक्ट कर सकते हो, आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो, लेकिन आप कोई ऑब्जेक्शन करने की बजाय, रिजेक्ट करने की बजाय अभी भी उस चीज का फायदा उठा रहे हो, तो ये माना जाएगा कि आप साइलेंटली उस ऑफर को, उस नोटिस को आपने एक्सेप्ट किया है। या लैंडलॉर्ड ने आपको नोटिस दिया, तो आप टीनेंट हो तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, भाई मकान मालिक बोल रहा है कि मैं अगले महीने से रेंट इंक्रीज करूंगा, आपको लग रहा है कि नहीं नहीं रेंट ज्यादा है, तो आप बोल दो कि नहीं यदि आप रेंट इंक्रीज करोगे तो मैं प्रॉपर्टी खाली कर दूंगा, ये जवाब दो आप कुछ भी जवाब नहीं दे रहे और रेगुलरली उस प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हो और आगे भी यूज करोगे, तो इट मीन्स आपने लैंडलॉर्ड का जो इंक्रीज रेंट का नोटिस है उसको आपने एक्सेप्ट किया है।
नहीं दिया आपने, ना तो लैंडलॉर्ड को आपने यस कहा कि ठीक है इंक्रीज कर देना, ना ये कहा कि मत करना। लैंडलॉर्ड ने नोटिस दिया और आप अभी उस प्रॉपर्टी को यूज करो, इट मीन्स आप लैंडलॉर्ड के उस नोटिस को मानने को तैयार। चलो इस एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं कि लैंडलॉर्ड सर्वड ए नोटिस, लैंडलॉर्ड ने एक नोटिस दिया टू द टेनेंट डिमांडिंग इनहांस्ड रेंट, इनहांस्ड यानी इंक्रीज रेंट। टीनेंट डिड नॉट प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट का मतलब होता है ना ऑब्जेक्शन करना, टीनेंट ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया एंड कंटिन्यूड टू ऑक्यूपाई द प्रीमाइसिस, और जो बिल्डिंग जो प्रीमाइसिस आपके पास है रेंट पे उसको कंटिन्यू आप ऑक्यूपाई कर रहे हो। तो दिस कंडक्ट यानी ये जो आपका बिहेवियर है ऑन द पार्ट ऑफ द टीनेंट टेसिटली, बेटा टेसिटली का मतलब है साइलेंटली, ये साइलेंटली इस चीज को अमाउंट देता है कि आपने जो इंक्रीज रेंट का ऑफर आपको यहां पर लैंडलॉर्ड ने दिया था आपने उसको एक्सेप्ट। इस एग्जांपल में बताइए आप में से किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत, प्लीज कोई स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम इस फर्स्ट एग्जांपल में कि साइलेंस एक्सेप्टेंस, साइलेंस एक्सेप्टेंस नहीं होती, क्योंकि साइलेंट होना एक्सेप्टेंस नहीं है, जनरल रूल है, लेकिन इसकी एक्सेप्शन भी तो है ना कि यदि आपके पास अपॉर्चुनिटी हो, आपके पास रिजेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी हो फिर भी आप रिजेक्ट नहीं कर रहे, उस केस में साइलेंट क्या बन जाएगी बेटा, एक्सेप्टेंस बन जाएगी। चलिए एक एग्जांपल आप लोगों के साथ और शेयर करता हूं, पहले एक बार थोड़ा सा इस एग्जांपल को समझा देता हूं। देखो एक तो होता है न्यूज पेपर, जनरली न्यूज पेपर एक डेली पब्लिकेशन है, ऐसे होते हैं कुछ मैगजीन्स, मैगजीन्स वीकली भी प्रिंट होती हैं, मंथली भी प्रिंट होती हैं, कई मैगजीन्स क्वार्टरली आती हैं, कई मैगजीन्स हाफ ईयरली भी होती हैं, ईयरली मैगजीन भी है। तो एक अनिल नाम का पर्सन है, इसने कोई मैगजीन सब्सक्राइब की, जैसे आप कल सीएमए बन जाओगे, ठीक है, आप जब कॉस्ट अकाउंटेंट बन जाते हो तो ये जितने भी लो आप स्टडी कर रहे हो, चाहे आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट हो, सेल ऑफ गुड्स हो, आप जब सी में इंटर में आ जाओगे तो आप कंपनी एक्ट स्टडी करोगे, टैक्स लॉज स्टडी करोगे, तो इन लॉज में अमेंडमेंट होता रहता है, इन लॉज में अमेंडमेंट होता रहता है। तो आपने क्या किया, मार्केट में कई ऐसी कंपनी है जो आपको हर महीने या हर वीकली बेसिस पर क्या क्या अमेंडमेंट हुआ वो आपके घर पर एक बुकलेट बना के, एक मैगजीन बना के भेज देते हैं कि इस वीक में कितने लो में और क्या क्या अमेंडमेंट हुआ, ताकि अपन अपडेट रहे। तो ये प्रोफेशनल मैगजीन्स, तो ऐसे ही एक अनिल नाम के पर्सन ने कोई मैगजीन सब्सक्राइब की, यानी कोई मैगजीन परचेज की 3 इयर्स के लिए, ध्यान से सुनना कितने ईयर के लिए, 3 इयर्स के लिए मैगजीन सब्सक्राइब की। उस मैगजीन वाली कंपनी ने उस अनिल को 3 साल तक मैगजीन सप्लाई की, 3 साल खत्म हो गए, लेकिन वो मैगजीन वाली कंपनी अभी भी उस अनिल को मैगजीन दिए जा रही है, जबकि अनिल ने 3 साल के लिए सब्सक्राइब की थी, लेकिन उसके बाद भी वो मैगजीन वाली कंपनी हर वीकली बेसिस पर अनिल के घर पर और मैगजीन भेज देती है, जबकि अनिल ने 3 साल के लिए पैसे दिए थे, लेकिन फिर भी वो मैगजीन वाली कंपनी तो रेगुलरली मैगजीन भेज रही है और अनिल कुछ नहीं बोल रहा, बड़े आराम से हर वीकली उस मैगजीन को रिसीव करता है। अरे भाई आपने 3 साल के लिए सब्सक्राइब किया, 3 साल खत्म हो गए और अभी भी वो मैगजीन वाली कंपनी आपको मैगजीन भेजे जा रही है ना, और आपको नहीं लेनी, तो आप एक नोटिस तो दो उनको, रिप्लाई तो करो कि मैंने आपकी मैगजीन 3 इयर्स के लिए सब्सक्राइब की थी, 3 साल खत्म हो चुके हैं, लेकिन अभी भी आपकी मैगजीन मुझे मिल रही है, पिछले 2-3 महीने से मैं देख रहा हूँ रेगुलरली आपकी मैगजीन आ रही है, प्लीज मैं इसको कंटिन्यू नहीं रखना चाहता, मैं आपको इंटीमेट करना चाहता हूं कि मेरे 3 इयर्स का टाइम पीरियड खत्म हो चुका और फ्यूचर में मुझे आपकी मैगजीन नहीं चाहिए, और फिर भी यदि आप भेज रहे हो तो मैं उसके लिए पेमेंट नहीं करूंगा, ये मना कर दो, 3 साल खत्म हो गया मना नहीं कर रहे, वो कंपनी मैगजीन दिए जा रही है आप लिए जा रहे हो, यानी आप रिप्लाई नहीं कर रहे कुछ भी, आराम से बेनिफिट ड्राइव कर रहे हो, आप उससे फायदा उठा रहे हो, हर महीने आपको मैगजीन मिल रही है, माना कि 3 साल का टाइम पीरियड खत्म हो गया और फिर भी वो कंपनी भेजे जा रही है, तो एक बार इंटीमेट करो, आप इंटीमेट नहीं कर रहे बल्कि बेनिफिट ले रहे हो, तो ये आपके एंड पर जो साइलेंटली आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो ये आपको एग्रीमेंट में बाउंड करते।
चलिए बेटा सेकंड एग्जांपल की लाइन टू लाइन स्टडी करवाता हूं, मेरे साथ साथ चलना। कि अनिल सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब करना यानी परचेज करना फॉर वीकली मैगजीन फॉर 3 ईयर्स। तो अनिल ने 3 ईयर्स के लिए वीकली मैगजीन सब्सक्राइब की। इवन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ हिज सब्सक्रिप्शन, कि जब उसके 3 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन पीरियड खत्म हो गया उसके बाद भी मैगजीन कंपनी कंटिन्यूड टू सेंड हिम मैगजीन फॉर 6 ईयर्स। उसके बाद भी वो कंपनी कंटिन्यू उसको 6 साल तक वो मैगजीन भेजे जा रही है। एंड ऑल्सो अनिल कंटिन्यूड टू यूज द मैगजीन, और उन अनिल उन मैगजीन को हर वीकली एक्सेप्ट कर रहा और यूज कर रहा है, बट डिनाइड टू पे द बिल सेंड टू हिम। लेकिन जो बिल उसको भेजे गए पेमेंट करने के लिए, वो पेमेंट करने के लिए मना कर रहा है कि मैंने तो 3 साल के लिए सब्सक्राइब किया था, उसके बाद आपने क्यों भेजा, मैंने थोड़ी ना मंगवाई थी, क्यों भेज रहे हो आप मुझे मैगजीन, क्या आपने नहीं मंगवाई थी तो आप मना तो करते। एक वीक गलती से आ गई, 2 वीक गलती से आ गई, 3 वीक, मतलब 2 महीने चलो गलती से आ रहे, 6 ईयर्स तक कंटिन्यू ले रहा है, आज तक कभी ऑब्जेक्शन नहीं की। ठीक है, हो सकता है मैगजीन वाली कंपनी आपको कंटिन्यू दे रही है, तो आप भी तो अपने एंड पर रिप्लाई तो करो, आप भी तो आप भाई आप ईमानदार हो तो उस चीज का नोटिस तो दो। यहां पर आप कंटिन्यूसली बेनिफिट ले रहे हो, तो अनिल वुड बी लायबल टू पे एज हिज कंटिन्यूड यूज ऑफ मैगजीन वाज हिज एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर। क्योंकि उसका कंटिन्यूसली मैगजीन को यूज करना एक तरह से उसके लिए माना जाएगा कि उसने उनको एक्सेप्ट किया है। तो ये था कि प्रिंसिपल रूल तो यही होता है कि ओनली साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, कि सिर्फ साइलेंट होना एक्सेप्टेंस नहीं है। लेकिन यदि किसी पर्सन के पास किसी ऑफर को रिजेक्ट करने की प्रॉपर अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वो पर्सन उस ऑफर को रिजेक्ट करने की बजाय उस ऑफर के बेनिफिट्स को एंजॉय कर रहा है, यानी उस पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज के बेनिफिट एंजॉय कर रहा है, तो ये आप जो रिजेक्ट करने की बजाय उसके बेनिफिट्स एंजॉय कर रहे हो, तो मान लिया जाएगा कि आपने उस ऑफर को साइलेंटली एक्सेप्ट, ये एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन। दोनों एग्जांपल में किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम प्लीज, दोनों एग्जांपल में। हाँ बिल्कुल आरसी, यदि अनिल यहाँ पर पैसे नहीं देगा ना बेटा सेकंड एग्जांपल में, तो बिल्कुल ये उसकी तरफ से एग्रीमेंट है और उस पर सूट फाइल हो सकता है। सेकंड एग्जांपल में यदि अनिल मैगजीन का पैसा नहीं देगा ना, तो मैगजीन वाली कंपनी उसके अगेंस्ट में सूट फाइल कर सकती है। और सिर्फ मैगजीन का पैसा नहीं लेंगे, जब कोर्ट में जाएंगे तो सिर्फ मैगजीन का पैसा थोड़ी ना लेंगे, जितना लेट करोगे उसका इंटरेस्ट, उसका कंपनसेशन, और कोर्ट में जाने का भी तो खर्चा लगता है ना, एडवोकेट की फीस वगैरह वगैरह वो भी मांगेंगे, कंपनसेशन तो फिर सारा ही दिलाएगा ना कोर्ट। ये 2 टॉपिक थे आपने, ऑफर, ऑफर के बेसिक एलिमेंट्स, एक्सेप्टेंस और एक्सेप्टेंस के बेसिक एलिमेंट्स। और अब अपन यहां पर नेक्स्ट पॉइंट को स्टडी करते हैं। यहां तक वाले टॉपिक में किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम, सब लोग नो बोल रहे सर नो प्रॉब्लम। तो चलो बेटा कुछ क्वेश्चन अपन लोग सोल्व करते हैं। तो मैंने आपको 2 क्वेश्चंस तो लास्ट क्लास में शायद करवा दिए थे, आज उन क्वेश्चंस को और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। यदि ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ रहे हैं, आप आराम से आंसर ढूंढ पा रहे हो ना बेटा, तो विश्वास करना आप बहुत अच्छे मार्क्स से और इसमें पास होंगे अपन। तो 2 क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए थे, 3 क्वेश्चन कर लिए थे, बट चलो मैं 3rd क्वेश्चन दोबारा करवाता हूँ, ठीक है ना। 3rd क्वेश्चन अपन ने लास्ट में डिस्कस किया था, तो अब मैं एक बार 3rd क्वेश्चन से दोबारा करवाता हूं। देखो 3rd क्वेश्चन में क्या बोला आपको यहां पर, कि इन ए बुक डिपो, कि एक बुक डिपो है, डिपो का मतलब वहां पर खूब सारी शॉप्स हैं, वो होता है एक स्टेशन, एक प्लेस, वहां पर नंबर ऑफ शॉप्स होती है, यानी एक बुक फेयर है, और उस बुक डिपो के बाहर ये कैटलॉग ऑफ बुक, उस पर्टिकुलर प्लेस में कितनी शॉप है और कौन सी बुक कौन सी शॉप पे मिलेगी, किस प्राइस पे मिलेगी, इसका एक कैटलॉग। तो कैटलॉग इन लिस्टिंग द प्राइस ऑफ ईच बुक, एक कैटलॉग उन्होंने बुक डिपो के बाहर लगा रखा है जिस पर हर बुक का प्राइस, एंड स्पेसिफाइंग द प्लेस, और उस कैटलॉग में यह भी बता रखा है कि कितने नंबर की दुकान पर मिलेगा,
वेयर द पर्टिकुलर बुक इज अवेलेबल। तो ये जो कैटलॉग है यानी ये जो नोटिस बाहर चिपका रखा बुक डिपो के बाहर कि कौन सी बुक कौन सी शॉप पे मिलेगी और किस प्राइस पे मिलेगी, तो ये जो एक नोटिस दे रखा क्या ये ऑफर है? ऑफर तो बिल्कुल भी नहीं है ना, तो ये इनविटेशन टू ऑफर है ना ऑफर है, बल्कि क्या है ये है इनविटेशन टू विजिट द बुक शॉप। ये बुक शॉप विजिट करने का इनविटेशन है। तो लास्ट क्लास में इसको डिस्कस भी किया था आप लोगों ने, बिल्कुल सही, दिनेश भी सही बोल रहे हैं, हरीश भी, आरची भी, ठीक है, सबने बिल्कुल सही जवाब दिया इसमें, शिवानी ने भी। तो बिल्कुल इसमें आपका सी ऑप्शन रहेगा कि इट्स द इनविटेशन टू विजिट द बुक शॉप, टू विजिट द बुक शॉप। ठीक है बेटा, फोर्थ क्वेश्चन बताओ फिर आप, ठीक है ना, आपको पूरा टाइम दे रहा हूं, आराम से देखिए आप। फोर्थ क्वेश्चन आपके साथ साथ क्वेश्चन पढ़ लेता हूं, फोर्थ क्वेश्चन के ऑप्शन आप बताते चलना कि व्हाट कैन ए कैटलॉग ऑफ बुक्स लिस्टिंग द प्राइस ऑफ इच बुक एंड स्पेसिफाइंग द प्लेस वेयर द लिस्टेड बुक्स आर अवेलेबल बी टर्म्ड एज, उसको क्या बोलेंगे? अब इन चार ऑप्शन में से ही छांटना आपको, यानी सेम वैसा ही ऑप्शन क्वेश्चन है कि आपके पास एक कैटलॉग ऑफ बुक्स है जिसमें हर बुक का प्राइस और बुक कौन सी शॉप में मिलेगी वहां पर अवेलेबल है, तो बताइए ये कैटलॉग को इन चार में से क्या टर्म देंगे? आप ऊपर वाले क्वेश्चन में तो क्या सी पॉइंट था अपने पास, अब इसमें वो पॉइंट ढूंढ रहे होंगे तो वो नहीं है यहाँ। इन चार आंसर में से कौन सा, क्या इसको ऑफर मानेंगे? आप बोलोगे सर ऑफर तो नहीं है, ये ऑफर तो है नहीं, ये तो एक तरह से इन्विटेशन है, ऑफर तो होगा नहीं। कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन कि सर ऑब्लिगेशन टू सेल बुक, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कैटलॉग में सिर्फ एक प्राइस का स्टैंडर्ड बताया है, जरूरी नहीं कि उस प्राइस में वो सेलर सेल करे ही, तो कोई ऑब्लिगेशन भी नहीं है। और डी पॉइंट कि प्रॉमिस टू मेक अवेलेबल द बुक्स, बेटा कोई प्रॉमिस नहीं होता, हो सकता है वहां पर बुक्स की 50 क्वांटिटी अवेलेबल हो और 50 कस्टमर्स आ गए और बुक खत्म हो गई, सब लोग ले गए, अब जो नेक्स्ट कस्टमर्स आएंगे उनको नहीं मिलेगी, तो कैटलॉग कोई प्रॉमिस भी नहीं होता कि बुक मिलेगी ही, हो सकता है लिमिटेड क्वांटिटी हो। बेस्ट आंसर क्या रहेगा बेटा यहाँ पर? सी ऑप्शन, बिल्कुल सही, आप सभी लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं, सी ऑप्शन होगा। ये इनविटेशन टू ऑफर है कि आप उस पर्टिकुलर शॉप पे जाइए और वहां पर आप अपना ऑफर दीजिए, फिर वो जो शॉप कीपर है वो अकॉर्डिंगली आपको आपकी गुड्स सेल करेगा। याद रखो बेटा जो थर्ड क्वेश्चन में जो सी ऑप्शन था ना, बाई चांस यदि वो ऑप्शन यहाँ होता, मान लो इस फोर्थ क्वेश्चन में डी की बजाय ये जो डी पॉइंट दे रखा है ना ये वाला, यहां पर यदि ये वाला पॉइंट होता तो फिर आंसर अपना डी ऑप्शन होता, लेकिन क्योंकि अभी वो पॉइंट यहाँ है नहीं इसलिए यहां पर अपना करेक्ट आंसर कौन सा होगा, इसलिए यहां पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा सी पॉइंट कि इनविटेशन टू। तो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलो फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, आराम से क्वेश्चन को पढ़ो फिर जवाब देना, जल्दीबाजी मत करना। फिफ्थ क्वेश्चन ध्यान, छोटा सा क्वेश्चन है, एडवर्टाइजमेंट फॉर सेल ऑफ गुड्स बाय ऑक्शन। पहले तो ऑक्शन का मीनिंग याद रखो बेटा, ऑक्शन का मतलब जानते हो ना, पब्लिक सेल करना, नीलाम करना, नीलामी करना। तो कई बार आपने मूवी में या सीरियल में देखा होगा ना, वैसे जब खूब सारे लोग आ जाते हैं और फिर वो सब लोग अपने अपने बिड लगाते हैं, बोली लगाते हैं, हाईएस्ट बोली लगाएगा उसको गुड्स दे दी जाती है। तो ऑक्शन के लिए एडवर्टाइजमेंट किया आपने, बेटा ध्यान से देखना क्वेश्चन को, कि यानी एडवर्टाइजमेंट फॉर सेल ऑफ गुड्स बाय ऑक्शन, कि बाय ऑक्शन गुड्स सेल करने के लिए एडवर्टाइजमेंट किया, लोगों को बुलाया है आप आइए और उस दिन हमारे यहाँ पर ऑक्शन होगी, तो ये एडवर्टाइजमेंट क्या कहलाएगी? जनरल ऑफर या एन ऑफर टू होल्ड सच सेल या इनविटेशन टू ऑफर या इम्प्लाइड ऑफर, बताइए आप इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन होगा सर, एन इनविटेशन टू ऑफर। हाँ ठीक है, सी ऑप्शन बोल रहे हैं, लेकिन इसमें से तो कुछ लोगों ने ए ऑप्शन भी बोला है बेटा, ए ऑप्शन कैसे होगा? हरीश, आर्ची, असु, दोबारा से बोल रहे हैं, सो दोबारा से बोल, यस भी बोल रहे हैं, बेटा ए ऑप्शन कैसे होगा, ऑफर तो है ही नहीं ना ये,
आपने ये देख लिया कि सर ये तो पब्लिकली एडवर्टाइजमेंट किया तो जनरल ऑफर हो गया। अरे बेटा ऑफर तो है ही नहीं, अभी तो इनविटेशन है बेटा, प्लीज ए ऑप्शन नहीं होगा। देखो कंसेप्ट को ध्यान रखो, जनरल ऑफर में पहले ऑफर तो हो, और ये तो आपको मैंने बताया था ना, ये तो इनविटेशन, ये आपका एक एडवर्टाइजमेंट करना इनविटेशन है। ऑफर कब होता, जब स्पेसिफिकली टर्म्स कंडीशन होती। यदि यहां पर ये लिखा होता ना कि अनिल अपना मकान सेल करना चाहता है, और अनिल ने पहले बोल दिया कि भाई मैं मेरा मकान 80 लाख रुपए में सेल करूंगा, जो भी आएगा उसको बेचने को तैयार, ये एडवर्टाइजमेंट होती तो जनरल ऑफर होता, फिर वो इनविटेशन नहीं है बेटा। जिस स्टेटमेंट में फाइनल एक्सप्रेशन हो और इस स्टेटमेंट में बताइए कहां है फाइनल एक्सप्रेशन, यहां तो ये बोला है कि ऑक्शन होगी। अब वो प्रॉपर्टी किस प्राइस में सेल होंगी, सेल होनी है क्या उनका प्राइस बता रखा है यहां पर? ये तो सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन दी और इनवाइट किया है कि आप आइए और आप भी बिड लगाओ। अब जो आप बिड लगाओगे ना वो ऑफर होगा बेटा, ए ऑप्शन नहीं होगा प्लीज, है ना। मैं अपना ये एडवर्टाइजमेंट फॉर सेल ऑफ गुड्स, ये क्या अपने लिए, ये इनविटेशन टू ऑफर है। तो बेटा प्लीज ध्यान दें, 5th क्वेश्चन में आपका आंसर है सी ऑप्शन, इनविटेशन टू ऑफर। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। प्लीज बताइए आप लोगों को समझ में आया ना? यस आशु, हरीश, एनी प्रॉब्लम? टॉपिक क्लियर हुआ? ठीक है, तो एक चीज बेटा हमेशा याद रखो, मैं फिर से आपका रिवीजन करवा रहा हूं। जिस स्टेटमेंट में फाइनली टर्म्स कंडीशन डिसाइडेड हो, कुछ नया नेगोशिएशन करना नहीं है, ऐसा कोई स्टेटमेंट जिसमें ऑफरर की तरफ से सब कुछ क्लियरली मेंशन हो, वो स्टेटमेंट ऑफर हो। और जिस स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट सिर्फ इन्फॉर्म करना है, सिर्फ इनवाइट करना है, उस गुड्स या सर्विसेज की प्राइसेज अभी निर्धारित नहीं है, फिक्स नहीं है, नेगोशिएबल है, तो ऐसा स्टेटमेंट ऑफर नहीं है। ऐसा स्टेटमेंट तो इनविटेशन है टू मेक ऑफर, ठीक है? क्योंकि एक क्वेश्चन जरूर आएगा ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर का, एक क्वेश्चन पक्का। तो बेटा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपका क्वेश्चन गलत हो, ठीक है? तो इस चीज पर थोड़ा ध्यान दें। ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर का जो अपने ऊपर थ्योरी थी, प्लीज उसको एक बार आप रीड आउट करना, और लगे ना प्रॉब्लम हो तो बताना जरूर, मैं उसको एक बार आप लोगों को दोबारा समझा दूंगा। चलो तो बेटा 6th क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, जल्दीबाजी मत करना। देखो सबसे पहले तो एक्चुअली क्या है, ये जो दो ऑफर हैं, एक है एक्सप्रेस ऑफर और एक है इम्प्लाइड ऑफर। बेटा ऐसा करो, ये एक्चुअली टाइप्स ऑफ ऑफर है, ये मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा। तो 6th क्वेश्चन को आप यहाँ पर एक बार ड्यू लिख दो, ठीक है? मैं एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ, और उसके बाद में आपको ये एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफर जब हो जाएगा तब इसका आपको आंसर बताऊंगा, ठीक है ना? तो एक बार इसको मैं ड्यू लिख देता हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक आपको ये इम्प्लाइड ऑफर और एक्सप्रेस ऑफर का थ्योरी नहीं पढ़ाई है, तो इस 6th क्वेश्चन को अपन ड्यू रख रहे हैं, ठीक है? चलो तब तक आप 7th क्वेश्चन पढ़ लो। कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन द एक्सेप्टर, यानी कॉन्ट्रैक्ट कब होगा जब एक्सेप्टर क्या करे, बताइए आप इन चार में से कौन सा पॉइंट करे एक्सेप्टर की कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा? सेवंथ क्वेश्चन का आंसर दीजिए प्लीज, 7th क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन द एक्सेप्टर। चलो मैं समझा देता हूं आपको, ठीक है? और फिर आप आंसर बताना। ओके, फर्स्ट पॉइंट,
यदि एक्सेप्टर हैज डन समथिंग टू सिग्निफाई इज इंटेंशन, यदि एक्सेप्टर ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे ये लगता हो कि हाँ उसने एक्सेप्टेंस किया है, या फिर सेकंड पॉइंट, एक्सेप्टर ये विचार बना ले कि यार ऑफर अच्छा है, मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए, सेकंड पॉइंट, या सी पॉइंट, एक्सेप्टर ने ऑफर को रीड कर लिया, तो क्या ऑफर रीड करते ही कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है क्या, या ऑल ऑफ द? तो बेटा देखो, सी ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो, कि सिर्फ ऑफर को रीड कर लिया, यानी रीड करते ही एक्सेप्ट हो गया, क्या ऑफर रीड कर लेना एक्सेप्टेंस होगी? नहीं, तो सी पॉइंट नहीं होगा। और यदि बेटा सी पॉइंट नहीं होगा तो डी तो होने ही से रहा फिर, क्योंकि ऑल ऑफ द अब होगा तो चांस ही नहीं बचता। अब आते हैं अपने ए और बी पॉइंट, आराम से समझा करो पॉइंट को। देखो बी पॉइंट बोल रहा है कि एक्सेप्टर मेक्स हिज माइंड टू डू सो, यानी एक्सेप्टर को ऑफर मिला, उसने ऑफर को रीड किया और उसने अपने मन में विचार बनाया कि मुझे ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन उसने वापिस कोई जवाब नहीं दिया, यानी उसने अपने सिर्फ माइंड मेकअप किया है कि मुझे ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए। क्या सिर्फ अपना माइंड मेकअप कर लेना कि ऑफर अच्छा है, रीड कर लिया और ये माइंड मेकअप कर लिया कि हाँ मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए, तो क्या ये माइंड मेकअप कर लेना एक्सेप्टेंस है? आप बोलोगे सर ये भी नहीं। हाँ, ए पॉइंट ध्यान से देखो बेटा, कि एक्सेप्टर हैज डन समथिंग, अपनी कंसेंट दी है उसने, और कंसेंट दी है इस चीज को बताने के लिए, उसने रिप्लाई किया है, कोई ना कोई मैसेज भेजा है, या कुछ ऐसा किया है जिससे ऑफरर को ये पता चले कि हाँ ऑफरी ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा कुछ किया है एक्सेप्टर ने, तभी एग्रीमेंट हो, तभी एग्रीमेंट हो। देखो दोबारा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, कि कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन द एक्सेप्टर, कॉन्ट्रैक्ट कब फॉर्म होगा? तो कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन द एक्सेप्टर हैज डन समथिंग टू सिग्निफाई हिज इंटेंशन, उसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया तो ये इंटेंशन बताने के लिए उसने कुछ किया है, रिप्लाई दिया होगा, कोई मैसेज किया होगा, या कुछ ऐसा एक्ट किया है जिससे ऑफरर को ये लगे कि हाँ मेरा ऑफर एक्सेप्ट हुआ है, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन आएगा। बट आप बताओ सेवंथ क्वेश्चन में कौन सा आंसर होगा, आप बताइए आप लोग। तो बिल्कुल सही, मैं जितने भी आंसर देख रहा हूं, जैसे हरीश का आंसर है, शिवानी का आंसर है, आरची का है, अशु का है, दिनेश का है, यश का है, तो इन्हें सबने ए बोला है। ये बेटा सेवंथ क्वेश्चन में ए आंसर, एकदम फर्स्ट डे से बोलता रहा हूँ, कंसेप्ट क्लियर, हर स्टेज को समझ, ऑफर क्या होता है, क्या होता है ऑफर के, क्या क्या बेसिक एलिमेंट्स हैं, टेंस क्या होती है, टेंस के क्या क्या एलिमेंट्स हैं, फिर कंसिडरेशन क्या होता है, क्योंकि जब ये तीनों चीज मिलेंगी, ऑफर एक्सेप्टेंस विद कंसीडरेशन, तो आपकी ट्रांजेक्शन क्या बनेगी, एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट यदि अनफोर्सेबल होता तो फिर आपकी ट्रांजेक्शन क्या बनेगी, कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट यदि एक बार साइन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट यदि एक बार एग्जिस्टेंस में आ जाता है, फिर उसको फॉलो करना चाहिए, नहीं तो फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपको कंपनसेशन देने होंगे, ठीक है ना। चलो बेटा अब मैं आपसे एट्थ क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, और आराम से पढ़ के इसका आंसर बता दो। एट्थ क्वेश्चन, कि फॉर एन एक्सेप्टेंस टू बी वैलिड, कोई भी एक्सेप्टेंस वैलिड तभी होगी, तो इट मस्ट बी, अब इन चार में से एक ऑप्शन आपके पास, आंसर दे रहे हैं सब लोग और बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं, ऐसे आंसर दिया करो ना जैसे एट्थ क्वेश्चन का किसी का आंसर गलत नहीं है, बी ऑप्शन, कि एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट हो और अनक्वालिफाइड हो, बिल्कुल से एब्सोल्यूटली राइट, बी ऑप्शन ये होता है, ऐसे आंसर दो आप, बिल्कुल सही। चलो बेटा नाइन्थ क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन,
आरसी बेटा एक बार आप अपने आंसर को रिव्यू करो, आरसी बेटा एक बार रिव्यू करो। देखो इसमें लिखा है कि कैटलॉग ऑफ गुड्स, बेटा कैटलॉग कभी भी ऑफर नहीं होता। अरे कैटलॉग तो सिर्फ इंफॉर्मेशन, एक इनविटेशन है, ये प्राइस लिस्ट दुकान पे चिपकी हुई होती है तो वो भी कैटलॉग है। वो सिर्फ कस्टमर को बताने के लिए है कि इस चीज का ये भाव है, इस चीज का ये भाव है। उसको देख करके फिर कस्टमर ऑफर देगा कि ये इतना क्वांटिटी मुझे दे दो आप, वो ऑफर होगा और फिर जो आप सेल करोगे वो एक्सेप्टेंस होगी। कैट लोग कभी भी ऑफर तो होगा ही नहीं, इतना तो दिमाग में बेटा सेट करो प्लीज। कैटलॉग क्या है? कैटलॉग एक वो वाउचर है, जो वो एक डॉक्यूमेंट है जिससे आप कस्टमर को अपना प्राइस इंटीमेट करते हो। आप फिर वो कितने क्वांटिटी लेगा नहीं लेगा वो कस्टमर पे डिपेंड करता है। फिर कस्टमर आपको बोलेगा कि इतनी क्वांटिटी दे दीजिए आप मुझे, वो ऑफर होगा। तो कैटलॉग ऑफर तो कभी होगा नहीं बेटा, अच्छी बेटा ध्यान दें प्लीज। तो इसलिए यहां पर कैटलॉग ऑफ गुड्स ऑफ ए कंपनी फॉर सेल इज नॉट ए सीरीज ऑफ ऑफर, ये सीरीज ऑफ ऑफर नहीं है, बट ओनली एन इनविटेशन फॉर ऑफर। इसलिए नाइन्थ में आपका बेस्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, ठीक है ना, वो बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। और अब लास्ट पॉइंट है, पहले तो याद रखो मैंने आपको बताया था ना काउंटर ऑफर क्या होता है। तो एक बार काउंटर ऑफर का मीनिंग बताता हूं ना, जैसे एक ऑफरर ने ऑफर दिया और ऑफरी ने उसको एक्सेप्ट करने के बजाय, जैसे ऑफरर ने बोला था कि भाई मैं मेरा मकान 80 लाख में सेल करना चाहता हूँ, ऑफरी ने बोला कि मैं आपका मकान 60 लाख में खरीदना चाहता हूँ, तो ये एक्सेप्टेंस नहीं है, ये काउंटर ऑफर था। तो काउंटर ऑफर से जो ओरिजिनल ऑफर था वो रिजेक्ट हो जाता है और एक नया ऑफर एग्जिस्टेंस में आता है। तो काउंटर ऑफर इज इनविटेशन टू ट्रीट, नो। एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर कभी नहीं। रिजेक्शन ऑफ ऑफर, यस, ये रिजेक्शन ऑफ ऑफर होगा क्योंकि इससे जो ओरिजिनल ऑफर था वो रिजेक्ट हो जाता है, वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए टेंथ पॉइंट में अपना होगा, टेंथ पॉइंट में सी ऑप्शन। दिनेश सर बेटा बार्गेन नहीं होगा? नहीं, बार्गेन नहीं है, बार्गेन नहीं होता, बार्गेनिंग नहीं होती, वो तो ओरिजिनल ऑफर रिजेक्ट हो गया और काउंटर ऑफर अब एक्जिस्टेंस में आ गया। अब यदि ऑफरर को लगे कि यार चलो मैं 60 लाख में बेचने को तैयार हूं तो ठीक है आप एक्सेप्ट कर लो, तो ओरिजिनल ऑफर तो रिजेक्ट हो ही गया ना, काउंटर ऑफर जो ओरिजिनल ऑफर अरे था एक तरह से वो। वैसे मॉनेटरी वैल्यू भी तो कम हो ही रही है ना। हाँ नहीं बिल्कुल, मॉनेटरी वैल्यू कम हुई है लेकिन इससे जो ओरिजिनल ऑफर था वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही ओफरी ने ये बोला कि भाई मैं आपका मकान 80 लाख में नहीं 60 लाख में खरीदने को तैयार हूं, तो ओरिजिनल ऑफर तो 80 लाख का था ना, वो तो कैंसिल, वो रिजेक्ट हो गया और नया ऑफर एग्जिस्टेंस में आ गया। आप बोल रहे हो इसको कि ठीक है ये एक बार्गेनिंग टूल है, ठीक है ना, लेकिन बार्गेनिंग टाइप की कोई लीगल टर्म नहीं है। तो यहां पर रिजेक्शन ऑफ ऑफर होगा, ओरिजिनल ऑफर था वो रिजेक्ट हो जाएगा और नया ऑफर एग्जिस्टेंस में आ, ठीक है। तो ये थे बेटा अपने छोटे छोटे यहां तक की कुछ टर्म्स, इसमें एग्रीमेंट क्या होता है, ठीक है, ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, इन सब को आपने स्टडी किया। तो बेटा प्लीज इन सभी टॉपिक्स को आप अच्छी तरह से और रिवाइज करना, ठीक है, इन क्वेश्चंस को, ये सारे क्वेश्चंस वो बेटा जो आपके एग्जाम में आए, कंसेप्ट क्लियरिटी पे ध्यान दो और फर्स्ट पॉइंट्स, इसलिए मैं आपको एक 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 लाइन को अंडरलाइन करके पढ़ाया है ताकि कोई ऐसी प्रॉब्लम आपके बचे ही ना, ठीक है। चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक और ये अपना नया पॉइंट है आज, ऑफर कितने टाइप के होते हैं, यानी यहां पर कॉन्ट्रैक्ट्स को सबसे पहले कितने पार्ट में डिवाइड किया। एक वो सिक्स क्वेश्चन रह गया था शायद, वो एक बार लास्ट वाले में, फिर बाद में उसको नहीं, फिर ध्यान होगा अपने इसमें सिक्स क्वेश्चन को छोड़ दिया था लास्ट में, ये ड्यू लिखवा दिया था। तो इसमें मैं एक बार आपको ऊपर तो लास्ट क्लास में आपको ध्यान होगा अपने कुछ टॉपिक पढ़े थे कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर उनसे रिलेटेड था, तो इसमें दो टर्म आप लोगों को समझाना चाहता हूं। हाँ ये रहा अपना सिक्स क्वेश्चन को, बेटा ध्यान देना प्लीज, इस सिक्स क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूं आपको, आगे भी आएंगे पॉइंट लेकिन एक बार अच्छी तरह से आप समझ लो। एक होता है एक्सप्रेस ऑफर,
और एक होता है इम्प्लाइड ऑफर। पहले तो इनका मीनिंग समझ, ठीक है ना, आंसर तो चलो ठीक है, आप मीनिंग समझ में आ जाएगा तो आराम से दे दोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बेटा एक्सप्रेस का मतलब होता है कि जब, एक्सप्रेस ऑफर का मीनिंग है कि जब ऑफर देने वाला पर्सन अपने सभी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सप्रेसली बाय वर्ड्स, या तो वर्ड्स रिटन होंगे या ओरल, बट बाय वर्ड्स एवरीथिंग बाय वर्ड्स होगी, यानी शब्दों में हर चीज को बताया, वो तो होता है एक्सप्रेस ऑफर। तो एक्सप्रेस ऑफर हमेशा कैसे होगा, बाय वर्ड्स, अच्छा वो रिटन हो सकते हैं या ओरल हो सकते हैं। एक होते हैं बेटा इम्प्लाइड ऑफर, इम्प्लाइड जो ऑफर होते हैं ना ये होते हैं बाय कंडक्ट, यानी बाय बिहेवियर या बाय सर्कमस्टांशियल एविडेंस, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अब एक चीज बताओ, जैसे आप किसी बस स्टॉप पे खड़े हो और राजस्थान रोडवेज की एक बस आती है, और जैसे वो वहीं जा रही है जहां आपको जाना है, तो बस जैसे स्टॉप पे रुकी और आप बस के अंदर बैठ गए, तो बस का उस स्टॉप पे रुकना ऑफर है। जरूरी नहीं कि बस कंडक्टर हमेशा आवाज लगाए, क्या ये भाई बीकानेर चलने वाले, बीकानेर चलने वाले बैठे, जरूरी नहीं होता कि वो हमेशा ऐसे आवाज लगाए। बस का रुकना, आप मेट्रो स्टेशन पे खड़े हो, मेट्रो आकर के रुकी, ऑफर, ये इम्प्लाइड ऑफर। और आप जैसे उसके अंदर एंटर होते हो, आप सीट लेते हो, तो एक्सेप्टेंस है कि आपने उसकी ऑफर को एक्सेप्ट किया, अब आपको किराया देना पड़ेगा, एग्रीमेंट हो गए। तो आप कुछ मत बोलो, बस का रुकना, मेट्रो स्टेशन का रुकना ऑफर था, मेट्रो ट्रेन का रुकना मेट्रो स्टेशन पे ऑफर था, और आपका उस बस के अंदर जाना, बैठ जाना या उस पर्टिकुलर ट्रेन में बैठ जाना, वो एक्सेप्टेंस है। ये कौन सा ऑफर था, बस का रुकना, मेट्रो का रुकना, बेटा ये कौन सा ऑफर है। अब वहां वर्ड्स तो नहीं है ना, वहां बाय बिहेवियर या बाय सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, तो वो कौन सा ऑफर हुआ बेटा, वो इम्प्लाइड ऑफर है। वो कौन सा ऑफर है, इम्प्लाइड ऑफर। तो सीख क्वेश्चन ये था कि एक्सप्रेस ऑफर और एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस जो भी है वो मे बी प्रूव्ड बाय एग्रीमेंट, क्योंकि एक्सप्रेस ऑफर और एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस में तो वर्ड्स होंगे, तो उनको बाय एग्रीमेंट प्रूव किया जा सकता है, लेकिन जो इम्प्लाइड ऑफर्स उनको प्रूव करने के लिए सिर्फ, या क्यों, वर्ड्स उसमें होंगे नहीं बेटा। इम्प्लाइड ऑफर में वर्ड्स तो है ही नहीं, शब्द तो वहां कोई है ही नहीं, वहां तो पार्टीज का बिहेवियर या सर्कमस्टांसिस की जो एविडेंस है, यानी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनको देखा जाएगा, तो वो चीज वहां पर क्या कहलाएंगी, सर्कमस्टांशियल एविडेंस। और कंडक्ट ही ऐसी चीज है जिससे इम्प्लाइड ऑफर का प्रूव किया जा सकता है। तो इसलिए 6 पॉइंट में अपना कौन सा आंसर हुआ बेटा, इसमें डी डी ऑप्शन होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 6 में, कि कंडक्ट या फिर सर्कमस्टांशियल एविडेंस। तो क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया क्या? अरे क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस ऑफर और इम्प्लाइड ऑफर समझ में आया? इनका आगे क्वेश्चन आएगा, सोल्व कर दोगे ना? चलो एक बार रिवाइज करवा रहा हूं, दोबारा से देख लो, एक बार रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक है। असु ने बोला कि सर रिवाइज करवा दो, कोई बात नहीं बेटा, ध्यान से सुनो। देखो कोई भी ऐसा ऑफर जिसके टर्म्स एंड कंडीशन वर्ड्स में डिफाइन हो, यानी थ्रू वर्ड्स यदि कोई ऑफर है, चाहे वो वर्ड्स बोल करके हो चाहे लिख करके हो, तो बोलते हैं बेटा एक्सप्रेस ऑफर। और एक्सप्रेस ऑफर और एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस से रिलेटेड यदि कभी डिस्प्यूट हुआ, तो जो वर्ड्स के थ्रू उनका एग्रीमेंट हुआ है, उन वर्ड्स से ही उनको प्रूव किया जाएगा, साबित किया जाएगा। लेकिन जो इम्प्लाइड ऑफर होते हैं वो बाय वर्ड्स नहीं होते, वो बाय कंडक्ट, बाय बिहेवियर या बाय सर्कमस्टांशियल एविडेंस। और उनसे रिलेटेड यदि कभी कोई इश्यू रेज होता है, तो उसको प्रूव करने के लिए शब्द तो होंगे ही नहीं, तो वहां पर जो पर्टिकुलर सर्कमस्टांसिस थी, उन सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग उनको प्रूव किया। अब जैसे कोई बस स्टॉप पे कोई बस आकर के रुकती है और कोई पैसेंजर, तो बस का रुकना इम्प्लाइड ऑफर है। फिर पैसेंजर उस बस के अंदर चला जाता है, चढ़ जाता है, सीट ले लेता है, तो वो एक्सेप्टेंस है। अब बाद में वो पैसेंजर मना कर दे कि मैं तो वहां से बैठा ही नहीं था, मैं तुझसे नेक्स्ट स्टेशन से बैठा था,
अब यहां पर कोई शब्द तो है नहीं, तो अपने पास क्या एविडेंस है? तो आप सीसीटीवी कैमरा देख लो कि देख लो कौन से स्टेशन पे बस रुकी थी जहां पर आप, या तो सीसीटीवी को कैमरा हो जिसमें वो सर्कमस्टांसिस में हो, या फिर कोई ऐसी सर्कमस्टांसिस कि मैं वो जो पैसेंजर बोल रहा है कि मैं उस स्टॉप से रुका था, उस स्टॉप पे बस ही नहीं रुकी थी तो आप बैठे कहां से? तो ऐसे जो सर्कमस्टांसिस हैं कंडक्ट हैं उन्हीं के थ्रू इंप्लाइड ऑफर को प्रूव किया जाता है, क्योंकि वहां वर्ड्स तो होंगे नहीं, क्योंकि इंप्लाइड ऑफर बाय वर्ड्स क्रिएट नहीं होता है। इसलिए सिक्स क्वेश्चन में था कि एक्सप्रेस ऑफर और एक्सेप्टेंस को तो बाय एग्रीमेंट प्रूव कर सकते हैं, लेकिन इंप्लाइड ऑफर को प्रूव या तो बाय कंडक्ट करेंगे या बाय सर्कमस्टांशियल एविडेंस करेंगे। वो दिक्कत ठीक है, अशोक को भी समझ में आ गया। चलो बेटा अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो अपन करते हैं स्टार्ट। तो एक तो मैंने आपको ये पहले ये फाइल आप लोगों से शेयर की हुई है, ठीक है, तो ये प्लीज इसमें सिर्फ 10 पेज हैं, इसका यदि आप चाहो तो कोई प्रिंट आउट निकलवा लो या फिर इसकी सॉफ्ट कॉपी रखो। आज एक फाइल और शेयर कर रहा हूँ और मैं धर्मेंद्र सर से रिक्वेस्ट कर दूंगा कि वो अपने टेलीग्राम के ग्रुप पे भी इस फाइल को डाल देंगे, तो वहां से आप इसको अपनी रिकॉर्ड के लिए ले लेना। तो यहां से आज आपका नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप के होते हैं, क्योंकि आपने ये तो पढ़ लिया ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, एनफोर्सिबिलिटी क्या होती है। अब अपना टॉपिक है कि सर कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप के होते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया। तो बेटा सबसे पहले आपको ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, ऑन द बेसिस ऑफ अनफोर्सिबिलिटी, यानी अनफोर्सिबिलिटी के बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप का होता है, तो अनफोर्सिबिलिटी के बेसिस पर सबसे पहला टाइप है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अरे ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग अनफोर्सेबल हो, जिसने सेक्शन 10 में जो अनफोर्सिबिलिटी के एलिमेंट्स थे जैसे फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंट पार्टीज, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, यदि इन सभी कंडीशन को जो कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो बेटा थ्योरी पढ़ते हैं कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मींस एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी ऐसा एग्रीमेंट जो कि लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल है तो वो क्या बन जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इट फुलफिल्स ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की सेक्शन 10 में जो रिक्वायरमेंट्स उन सबको फुलफिल करता है, तो ये क्या बन जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड कौन सा है बेटा, सेकेंड है वॉइड एग्रीमेंट। तो वॉइड एग्रीमेंट का मतलब ऐसा एग्रीमेंट जो कि लॉ के द्वारा अनफोर्सेबल नहीं हो, यानी ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा अनफोर्सेबल नहीं है, तो जो एग्रीमेंट लॉ के द्वारा अनफोर्सेबल नहीं हो कॉन्ट्रैक्ट तो बनेगा ही नहीं। इसलिए ध्यान से देखना, इसमें वॉइड एग्रीमेंट नाम लिखा है बेटा, ध्यान देना प्लीज, छोटे छोटे वर्ड्स हैं ध्यान देना, में void contract नहीं लिखा बेटा, इसमें क्या वर्ड लिखा है, void agreement, यानी ऐसा agreement जो कि law के द्वारा enforceable नहीं है। जब enforceable है ही नहीं तो contract तो बना ही नहीं, इसलिए वो agreement बना, आगे enforceable नहीं है तो agreement की स्टेज पे खत्म, void agreement। एक होता है void contract, बेटा ध्यान देना प्लीज, ये दो पॉइंट है, एक मत मान बैठना इनको, दोनों में डिफरेंस है। Void agreement तो वो है ऐसा agreement जो लॉ के द्वारा enforceable है ही नहीं, जैसे आपने minor के साथ contract कर लिया, जैसे आपने unsound mind के person के साथ contract कर लिया, तो void है। यदि कोई ऐसा बंदा जो पागल है unsound mind का है उससे आप कोई agreement करो तो void है, वो void agreement है, contract तो बनेगा ही नहीं। एक होता है बेटा void contract, कई बार ऐसा होता है agreement किया था लेकिन बाद में कुछ ऐसी सर्कमस्टांसिस हो गई जिसके कारण वो एग्रीमेंट फ्यूचर में जाकर क्या अनफोर्सेबल नहीं रहा। आपने जब एग्रीमेंट किया था कोई चीज परचेज सेल करने का, उस टाइम पर उस टाइप की गुड्स परचेज सेल करना लॉफुल था, तो आपका एग्रीमेंट वैलिड था तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। लेकिन आपके कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद कोई नया एक्ट बन गया और उसमें अब उस चीज को, उस गुड्स को परचेज सेल करना अनलॉफुल है, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट जब क्रिएट हुआ था तब तो लॉफुल था,
वैलिड था, लेकिन बाद में कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया, अब बाद में कॉन्ट्रैक्ट अनफोर्सेबल नहीं रहा, ये कॉन्ट्रैक्ट अब क्या कहलाएगा, अब कॉन्ट्रैक्ट था इसलिए अब इसको क्या बोल देंगे, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड एग्रीमेंट तो कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, वो तो शुरू से ही वॉइड है। और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि ऐसा एग्रीमेंट जो क्रिएट हुआ था उस टाइम वैलिड था, तो इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में आया, लेकिन बाद में चल के कोई फर्दर इम्पॉसिबिलिटी के कारण वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, तो अब वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाए। देखो इसमें लिखा कि एज पर सेक्शन 2 क्लोज जे, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीज टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड, यानी ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो बाद में चल करके कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वो लॉ एनफोर्सेबल नहीं रहा, तो वो क्या कहलाएगा, वॉइड। और वॉइड कब से होगा, व्हेन इट सीज टू एनफोर्सेबल, तो जिस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं रहेगा उस दिन वो आपका पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में कवर हो जाए।